नमस्कार बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें पटना में भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है, मानसून आ गया फिर भी बारिश का नामो निशानी। हालांकि कल बारिश आई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिनका कहना है कि सरकार को यहाँ पानी की व्यवस्था करानी चाहिए क्योंकि भीषण गर्मी के चलते इन लोगों की जान पर भी बनाती, क्योंकि दो लोगों की जान भी जा चुकी है। क्या कहेंगे सर? लोकनायक भवन डाक बंगला चौराहा जो पटना का नाक है मैडम, ठीक है, और स्थिति यह है कि लोकनायक भवन से लेकर के आपको तारा मंडल से इनकम टैक्स तक कहीं कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आप बैरिया बस स्टैंड में जाइए, सब जगह लगा हुआ पानी के लिए, ठीक ना। लेकिन ये जो मेन एरिया है ना, यहाँ पर पानी अगर प्यास लग जाए या किसी लेडीज़ को टॉयलेट लग जाए तो ये एरिया में नहीं कर सकती हो, जान लीजिए। इतना प्रॉब्लम है ना, टॉयलेट है सुन लीजिए, ना पानी का व्यवस्था है, जबकि मेन पटना का नाक ही डाक बंगला चौराहा इसको बोलते हैं। मतलब अगर पटना में कहीं से अगर फॉरनर से लेकर के लोकल आदमी भी घूमने आएगा तो उसको एक गिलास पानी नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। खरीदना पड़ेगा उनको, हाँ खरीदना पड़ेगा, या फिर बेचारा ठेला उला ये सब लगाता है तो दे देता है, और क्या करेगा। और कोई तो मतलब कोई सुविधा है ही नहीं, बस देख लीजिए आप एक बार पूरा कैमरा घुमा के। तो आप बताइए कि नीतीश कुमार तो यहाँ डाक बंगला जो कि मेन पटना का चौराहा है, चार बार जाते हैं इधर से, दिन भर में चार बार जाते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तो ये आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दो लोगों की मौत हो गई, कब हो गई? तो हम उस सब जानता है, हम तो इधर अभी आए हैं, प्यास लगा हुआ था, ठीक ना, हम आए थे मोबाइल वोबाइल का सामान लेने, वो बोल रहे थे कि प्यास से कोई आदमी प्यास लगा हुआ था, पूरा तबीयत वबीयत खराब हो गया था, तो मैं तो यहाँ सामान लेने आया था, ठीक ना, वही देख रहा था कि यहाँ पे कुछ। बताइए नीतीश कुमार क्या अच्छा कर रहे हैं, पानी भी नहीं दे रहे आप लोग? नीतीश कुमार का क्या अच्छा करेंगे भैया, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद मीडिया वाले, आपको अभी प्यास लगेगा तो पानी नहीं मिलेगा, गारंटी है। बहुत कीजिएगा तो 20 रुपये खरीद के पी लीजिएगा, और नहीं तो कोई ठेला वाला बेचारा ये सब लगाता है तो कस्टमर को पानी पिला देता है, मदद करता है सब, समझे। तो आप देख सकते हैं बिहार तो दूर, पटना में भी पानी की व्यवस्था नहीं है और इतनी भीषण गर्मी में भी किसी को पानी की सुविधा। डाक बंगला चौराहा जो पटना का सबसे मेन चौराहा है जहाँ फॉरेनर भी आते हैं, लेकिन फिर भी ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है और ना ही पानी पीने की। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।